वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विक्रम है और जैसे कि आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस रोम के बारे में, जो कि यहाँ पे प्लस आपको फीचर्स मिल जाते हैं। तो इस रोम के बारे में बताऊँगा क्या डिफरेंस आपको मिल जाता है इसकी पिक्सल एक्सपीरियंस और पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस में। तो यहाँ पर देख सकते हो एंड्रॉयड 10 मिल जाता है और आपको यहाँ पर लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच मिल जाता है 5 मार्च का, जो कि 2020 आप यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर रोम आपको देखने को मिल जाता है पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस, जो कि रेडमी नोट 5 प्रो के लिए। यहाँ पर जो है बिल्ड रेट 25.3 आप 2020 आप देख सकते हो। जैसे कि इस रोम के बारे में बताऊंगा परफॉर्मेंस कैसा है, आपको कोई बग देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है, वोल्टी कॉल्स आप कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, उसके बाद जो है कैमरा आपको कौन सा मिलता है, सभी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं वीडियो को स्टार्ट कर लूँ जो कि एंटीडो बेंच मार्क स्कोर से। इसके अंदर आपको यहाँ पर एंटीडो बेंच मार्क स्कोर देखने को मिलेगा 1,26,000 आप यहाँ पर देख सकते हो। एज़ कम्पेयर टू MI11 आपको थोड़ा स्कोर कम देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर सभी गूगल्स के एप्लीकेशन मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर कोई एप्लीकेशन आपको मिसिंग लगता है तो आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद जो आपको यहाँ पे कैमरा मिल जाता है EMI का कैमरा, जो कि शॉर्ट वीडियो आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो, 4K रिकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसके अंदर कर सकते हो, जो कि यहाँ पे देख सकते हो 4K 30 FPS में इसके अंदर आपको रिकॉर्ड होगा, जैसे कि कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो रिकॉर्ड हो रहा है। उसके बाद जो है फोटोज़ ले पाओगे, आपको यहाँ पर AI के साथ फोटोज़ लेने का मौका मिल जाता है, जो कि यहाँ पे मैं बता देता हूँ AI के साथ आप यहाँ पे फोटोज़ ले सकते हो। उसके बाद जो है पोर्ट्रेट फोटो भी आप इसके अंदर ले पाओगे और यहाँ पे स्क्वायर पैनारामा और मैनुअल मोड का भी सपोर्ट इसके अंदर आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं गूगल कैमरा का भी बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं इंस्टॉल नहीं किया हूँ लेकिन इसके अंदर आपको गूगल कैमरा सपोर्टेड है। तो यहाँ पर मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ गूगल कैमरा को। तो यहाँ पर देख सकते हो गूगल कैमरा इंस्टॉल्ड कर चुका हूँ, जो कि यहाँ पर परमिशन अलाउ और यहाँ पर अलाउ। यहाँ पे देख सकते हो नाइट मोड का सपोर्ट है, जैसे कि यहाँ पे फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा में। उसके बाद जो है पोर्ट्रेट आप फोटोज़ ले सकते हो, उसके बाद कैमरा, और उसके बाद जो है 1080 पिक्सल्स में आप वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। उसके बाद जो है पैनारामा लेंस ब्लर फोटोज़ के फोटो को तो स्लो मोशन एक्चुअल में यहाँ पर रिकॉर्ड होता है, आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद जो है टाइम लैप्स लेंस और यहाँ पर आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो गूगल कैमरा यहाँ पर परफेक्टली वर्किंग है, आपको यहाँ पर कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा गूगल कैमरा में। उसके बाद जो है कुछ सेटिंग्स के बारे में भी इस वीडियो में बात कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे वोल्टी कॉल्स आपको यहाँ पे सपोर्टेड है। तो यहाँ पे मैं एक वोल्टी कॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि कॉल जा रहा है, जैसे कि यह मेरा पर्सनल नंबर है। और इसके बाद जो है आपको यहाँ पे वीडियो कॉलिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है, जैसे कि वीडियो कॉल आप यहाँ पे कर पाओगे। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे ऐप लॉक का सपोर्ट तो नहीं मिलेगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे जो है सेटिंग्स के अंदर कुछ और फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि डुअल 4G वोल्टी इसके अंदर आप यूज़ कर पाओगे, जैसे कि वोल्टीज कॉल आप यहाँ पे कर पाओगे, डुअल 4G वोल्टी आप इसके अंदर यूज़ कर पाओगे। और कनेक्टेड डिवाइस जिसमें आपको यहाँ पर मिल जाता है ब्लूटूथ में, जैसे कि ब्लूटूथ स्क्रीन कास्ट प्रिंटिंग और फाइल्स को शेयर या रिसीव कर सकते हो, और क्रोमोबुक से भी आप यहाँ पर कनेक्ट कर पाओगे। उसके बाद जो ऐप्स नोटिफिकेशन में डिफॉल्ट ऐप को चेंज कर पाओगे। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे इंस्टॉल करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप कोई एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना चाहते हो या डिसेबल करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। और उसके बाद जो है बैटरी आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं कल यूज़ किया था फुली, अभी मैं यहाँ पे चार्ज कर रहा हूँ, तो 24 घंटे पहले मैंने यहाँ पे चार्ज किया था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो तो 8 आवर्स लेफ्ट बता रहा है, जैसे कि बैटरी बैकअप इसके अंदर आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं यूट्यूब 2 घंटे प्ले किया था, उसके बाद पबजी आप देख सकते हो एंड्रॉइड बेंचमार्क यहाँ पर बैटरी कंज्यूम किया है। तो बैटरी बैकअप एज़ कम्पेयर टू MI11 आपको यहाँ पर इसके अंदर अच्छा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर बैटरी सेवर भी ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो बैटरी बहुत ही ज़्यादा सेव होगा, जैसे कि यहाँ पे आप डार्क मोड भी इस्तेमाल कर पाओगे। तो एक्चुअल में यहाँ पे बैटरी बैकअप के लिए इसको आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ स्पेशल भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ पबजी के बारे में, पबजी का परफॉर्मेंस इस रोम में कैसा मिल जाता है उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ब्राइटनेस लेवल, उसके बाद डार्क मोड का आपको इसके अंदर सपोर्ट मिल जाता है, और नाइट लाइट का आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है, जैसे कि ब्लू लाइट को डिसेबल करके आप अपनी आंखों को बचा पाओगे। लाइव डिस्प्ले आपको इसके अंदर मिल जाता है, जैसे कि स्क्रीन आप यहाँ पे रीडिंग मोड का भी अनेबल कर सकते हो, यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। उसके बाद कलर कैलिब्रेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि आप कलर को कुछ यहाँ पे कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो। स्टाइल एंड वॉलपेपर में आप यहाँ पे आइकॉन्स को चेंज कर सकते हो, फाउंट को चेंज कर सकते हो, उसके बाद वॉलपेपर भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। उसके बाद जो स्क्रीन टाइम आउट जो है 30 मिनट्स तक का मिल जाता है, और यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन रोटेशन, उसके बाद जो है फाउंट साइज, डिस्प्ले साइज, यहाँ पे स्क्रीन सेवर, और यहाँ पे जो है लॉक स्क्रीन डिस्प्ले, जैसे कि इसके अंदर आपको यहाँ पे ऑलवेज ऑन का सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरा आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिल जाता है जैसे कि देख सकते हो। ओके, उसके बाद जो है टैप टू वेक, टैप टू स्लीप, यहाँ पे वेक ऑन प्लग, और यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है, साउंड देख सकते हो, जैसे कि साउंड तो यहाँ पे वर्किंग है,
और लाउडली आपको यहाँ पे साउंड देखने को मिल जाएगा। प्राइवेसी, लोकेशन और सिक्योरिटी में आपको फेस अनलॉक तो नहीं मिलता है, लेकिन आपको फिंगरप्रिंट मिल जाता है। तो फिंगरप्रिंट आपको यहाँ पे मैं टेस्ट करके बता देता हूँ, जैसे कि देख सकते हो अनलॉक हो चुका है, तो अनलॉक हो चुका है देख सकते हो। तो फिंगरप्रिंट यहाँ पे वर्किंग है, कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे डिवाइस एडमिन सिम कार्ड को यहाँ से लॉक कर सकते हो। उसके बाद जो है ट्रस्टेड एजेंट, उसके बाद स्क्रीन पिनिंग का ऑप्शन भी इसके अंदर आपको मिल जाता है। कोई एक एप्लीकेशन को आप यहाँ पे पिन कर सकते हो। उसके बाद जो अकाउंट सक्सेसिबिलिटी, डिजिटल वेलबींग, इसके अंदर आप ट्रैक कर पाओगे दिन भर आपने यहाँ पे क्या किया था। जैसे कि देख सकते हो वन आप प्रीवियस, जैसे कि प्रीवियस हिस्ट्री भी आप यहाँ पे देख पाओगे। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है गूगल सिस्टम, सिस्टम के अंदर आपको यहाँ पे जिक्शर्स मिल जाते हैं, जम्प टू कैमरा प्रिवेंटिंग और स्वाइप टू टेक अ स्क्रीन शॉट, जैसे कि थ्री फिंगर्स स्वाइप करने से आप स्क्रीन शॉट ले पाओगे। और बटन्स में देख सकते हो, जैसे कि बटन्स आप यूज़ करना चाहते हो तो बटन्स यूज़ कर सकते हो, नहीं तो जिक्शर्स यूज़ कर सकते हो। टू बटन्स नेविगेशन, वो भी इसके अंदर आपको ऑप्शंस मिल जाता है, जैसे कि वो भी इसके अंदर यूज कर सकते हो। कॉम्पैक्ट लेआउट आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि कीज को यहाँ पे नज़दीक ला सकते हो। उसके बाद जो शो एरो कीज वाइल टाइपिंग, उसके बाद जो इन्वर्ट लेआउट, जैसे कि बैक की इस तरफ आ जाएगा और यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप कर सकते हो। होम लॉन्ग प्रेस एक्शन, जैसे कि होम लॉन्ग प्रेस एक्शन से आप यहाँ पे क्या लॉन्च करना चाहते हो इसके अंदर आप वो भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद जो है डबल टैप, आप देख सकते हो होम को डबल टैप करोगे तो क्या एक्शन आप रखना चाहते हो। रिसेंट को यहाँ पे लॉन्ग प्रेस, उसके बाद जो है पावर मेनू, इन कॉल, आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन मिल जाता है जैसे कि दूसरे रॉम की तरह ही। उसके बाद जो है स्टेटस बार में आप यहाँ पे नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर को अनेबल कर सकते हो, सिस्टम आइकॉन को चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे स्टेटस बार से कोई आइकॉन को हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो। उसके बाद जो है क्लॉक को आप राइट लेफ्ट या आप यहाँ पे सेंटर में रख सकते हो। उसके बाद जो है सेकेंड्स को अनेबल कर सकते हो, AM PM को अनेबल कर सकते हो, यहाँ पे नॉर्मल कर लेता हूँ। बैटरी परसेंटेज को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जैसे कि बैटरी इनसाइड आइकॉन नेक्स्ट टू द आइकॉन परसेंटेज रख सकते हो। उसके बाद जो ब्राइटनेस स्लाइडर आपको यहाँ पे देख सकते हो, और ऑटो ब्राइटनेस स्लाइडर भी आप यहाँ पे रख सकते हो, जैसे कि उसके बाद जो ब्राइटनेस कंट्रोल, स्टेटस बार से आप ब्राइटनेस को कंट्रोल कर पाओगे। और क्विक पुल डाउन का ऑप्शन भी इसके अंदर मिल जाता है। उसके बाद जो है टाइटल विजिटिबिलिटी, उसके बाद जो है वाइब्रेट ऑन टच, यहाँ पे आप रोज को भी चेंज कर पाओगे। और क्विक सेटिंग एनिमेशन से आप यहाँ पे एनिमेशन को भी चेंज कर पाओगे। उसके बाद जो है डेट एंड टाइम बैकअप रूल्स, ओके रूल्स का ऑप्शन मिल जाता है। नेटवर्क आप रीसेट कर सकते हो। उसके बाद जो है मल्टीपल यूज़र सिस्टम अपडेट का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि इसके एक अपडेट आया है तो आपको वो मिल जाएगा। जैसे कि ये लेटेस्ट रोम का ही आपको यहाँ पे लिंक देगा मैं, तो यहाँ पे देख सकते हो रेडमी नोट 5 प्रो में आपको पिक्सल प्लस एक्सपीरियंस रोम मिल जाता है। तो इस रोम में उस रोम में आपको यहाँ पे क्या डिफरेंस है, जैसे कि यहाँ पे पिक्सल प्लस एक्सपीरियंस का मतलब आपको OTA अपडेट्स नहीं मिलता है। जो ये रोम है इसके अंदर आपको OTA अपडेट्स नहीं मिलेगा, आपको OTA अपडेट्स यहाँ पे अपडेट करने का परमिशन इस रोम में नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे रोम को डाउनलोड कर लेना होगा, फिर फ्लैश कर लेना होगा। इसके अंदर जो है आपको फाइनल वर्जन मिल जाता है, जैसे कि बहुत दिनों के बाद ये अपडेट आता है, और इसके अंदर जो है कुछ कस्टमाइजेशन मिल जाता है, इसके कारण आपको यहाँ पे प्लस रोम कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ कस्टमाइजेशन मिल जाता है जो पिक्सल एक्सपीरियंस में नहीं मिलता है, जैसे कि जेक्शस बटन और स्टेटस बार का कस्टमाइजेशन इसके अंदर मिल जाता है। तो पबजी की मैं बात कर लेता हूँ, पबजी का परफॉर्मेंस इस रोम में कैसा मिलता है। तो यहाँ पे मैं एक TDM प्ले कर लेता हूँ, एक्चुअल में थोड़ा डिवाइस हीट हो रहा है, तो यहाँ पे समर सीजन होने के कारण थोड़ा डिवाइस हीट हो रहा है। अगर नॉर्मल सीजन में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, reloading.
अच्छा यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रॉम का परफॉर्मेंस आपको कैसा देखने को मिल जाता है। एक्चुअल में डिवाइस हीट होने के कारण भी यहाँ पे लैग नहीं हुआ है, तो बेशक बहुत ही अच्छी बात है। आपको यहाँ पे प्रो रोम देखने को मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस। तो इस रोम को बेशक आप यहाँ पे इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। जैसे कि स्टेबल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप जो है बैंकिंग ऐप्स को भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैजिस मैनेजर से, जैसे कि मैजिस मैनेजर से आप हाइड करके इसको यूज़ भी कर सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पे सभी फीचर्स इसके अंदर मिल जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि रेडमी नोट 5 प्रो के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ बना के बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।